भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। वो कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी जी को किसी तरीके से दबाया जाए, किसी तरीके से उसकी आवाज को दबाया जाए, क्या लगता है इसीलिए भाजपा उसकी अपोजिशन का जो रोल है वो खत्म किया जाए, राहुल जी की पॉपुलरिटी को खत्म किया जाए। ये तो भारत जोड़ो की मैं बात कर रहा हूँ, भारत जोड़ो से वो परेशान है। तो मैं ये कहूँगा हाथ से हाथ जोड़ो हम लेके जा रहे हैं, जो भारत जोड़ो का पैगाम था वो हम अलग अलग तहसीलों में डिस्ट्रिक्टों में अब लेके जा रहे हैं। विपक्ष की पॉपुलरिटी पे, राहुल गांधी जी की पॉपुलरिटी पे विपक्ष जो है परेशान है, उनको पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जा रहा है, विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। जो आदमी इस मुल्क में बोलना चाहे अपोजिशन के खिलाफ उसको दबाया जा रहा है, कभी ईडी से जगाया जा रहा है, कभी पुलिस से जगाया जा रहा है। इसलिए आज हम यहाँ पे काला कपड़ा लगा के विपक्ष की भूमि का यहाँ पे निभा रहे हैं और ये दर्शाते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में आम आदमी को बोलने का राइट टू स्पीक दिया था, वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार आम लोगों से छीन रही है, बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो बोलेगा उसके ऊपर केस लगाए जा रहे हैं, जो बात करेगा उसको सताया जा रहा है। तो यही दर्शाता है कि इस मुल्क में और उस रियासत में, खासकर इस रियासत में 9 साल से इलेक्शन नहीं हुई, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस मुल्क में भी है और इस रियासत में भी है। तो हम यही कहेंगे कि मोदी सरकार लोगों को तंग कर रही है। वो आम लोगों को पता है कि जो जुल्म बीजेपी ने किए हैं वो जुल्म का हिसाब उनको बराबर 2024 में मिलेगा। वो जब वोट पड़ेगा तब बताएंगे, या तो उनके पास कोई नकली मशीनें होंगी जिसकी बेस पे वो बोल रहा है, जैसे अपोजिशन पहले ही ईवीएम पे उंगली उठा रही है कि ईवीएम में चोरी हो रही है, तभी वो बता रहे होंगे। ऐसे तो हमको लगता है कि पूरी दुनिया, पूरे मुल्क उनके खिलाफ है आज की डेट में। आज की डेट में उनको कोई वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि अपोजिशन की आवाज वो पार्लियामेंट भी दबा रहे हैं, बाहर भी दबा रहे हैं। जो बात करेगा उनके खिलाफ पुलिस लग रही है, उनके खिलाफ जुडिशियर में है, जो अदालत में है उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अदलिया का एहतराम है, कोर्ट का एहतराम है। लेकिन जो बाकी चीजें मुल्क में हो रही हैं इस वक्त, उस पर हम यहाँ पे धरने में बैठे हैं, वही काला कपड़ा हमें मुंह पे रोल अदा कर रही है विपक्ष के होने के नाते। जब भी स्टूडेंट के साथ जो रिक्रूटमेंट स्कैम निकल गए, कांग्रेस ने उनके पास कंट्रोल किया। हाल ही में एपटेक के सिलसिले में कांग्रेस जिस वक्त लाठीचार्ज हुआ उस वक्त के नेता सब उनके साथ खड़े हुए। मैं फिर भी श्रेय उन नौजवानों को देता हूं जिन्होंने संघर्ष किया, और सब साथी, सब नेता, विकास सर, सब लोग उन नौजवानों के साथ संघर्ष में हम शामिल है, उनकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। सब में जितने भी लोग हैं, सीएसएस वाले हो, फाइनेंशियल असिस्टेंट वाले हो, ये जितने भी हैं वो सारा एक युवा वर्ग है। अब युवा वर्ग जो भाजपा के जरिए सताया जा रहा है 2014 के बाद, कहीं पे भी उनको राहत नहीं है, रिक्रूटमेंट स्कैम के माध्यम से रोजगार कहीं नहीं। हम सिर्फ रोजगार की बात नहीं करते, जिन्होंने भाजपा ने रोजगार छीना, हमने जिन्होंने रियासत का दर्जा छीना है उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए भी विपक्ष अपना रोल यहाँ पे अदा कर रहा है।